नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेटर सर्किट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डैम्ड ऑसिलेटर, अनडैम्ड ऑसिलेटर, वहां तक तो क्लियर था आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर था, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? ऑसिलेटरी सर्किट। ठीक, ऑसिलेटरी सर्किट पीछे का कुछ याद है? डैम और अनडैम क्या था जल्दी बताइए, डैम डैम क्या था, अनडैम ऑसिलेशन क्या था, किसी को कुछ याद है जल्दी बताइए बताइए। डैम ऑसिलेशन और अनडैम ऑसिलेशन, अरे लास्ट क्लास में आप पढ़े थे ना डैम ऑसिलेशन, क्या पढ़े थे? डैम ऑसिलेशन जहां पर आप एक मैग्नीट्यूड ऐसे, देखो आप पढ़ नहीं रहे हो बेटा, लग रहा है आपका डैम ऑसिलेशन था। हाँ, लास्ट क्लास में बताए थे जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? डैम ऑसिलेशन। लेकिन जहां पर आपका मैग्नीट्यूड क्या है, फ्लक्चुएट ना हो, क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, इस टाइप से उसे क्या बोलते हैं? अनडैम ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हम पढ़ते हैं ऑसिलेटर सर्किट, ऑसिलेटरी सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटरी सर्किट। आराम से देखिएगा, पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके। ऑसिलेटरी सर्किट होता क्या है? सबसे पहले कि ऑसिलेटरी सर्किट होता क्या है, तो देखिए ऑसिलेटरी सर्किट होता है जैसे किसी भी मतलब सर्किट है, कोई भी हमारा एक तरीके से कह सकते हैं फिक्स फ्रीक्वेंसी की सर्किट है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जहां पर ऐसी सर्किट जहां पर जो ऑसिलेशन हो रहा है, और ऐसा ऑसिलेटरी सर्किट मतलब जहां पर ऑसिलेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी सर्किट बोलते हैं। जहां पे फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट हो जाती है, या एक तरीके से नियत हो जाती है, हिंदी में जिसको कहते हैं नियत हो जाती है, जब फ्रीक्वेंसी आपकी नियत हो जाएगी तो उसे उस सर्किट को, ऐसी सर्किट को जहां पर ऑसिलेशन उत्पन्न होगा, ठीक है, निश्चित मतलब जहां पर निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेशन होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेशन होता है, उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है ऑसिलेटरी सर्किट में, L लगता है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों यूज होता है हमारा। तो फ्रीक्वेंसी यहां से क्या होती है? 1/2πL/C। पढ़े ना आप, ये तो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहां से फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं तो जो ऑसिलेटरी सर्किट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? 1/2πL/C। L क्या है आपका? इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टर जो है, और C क्या आपका? कैपेसिटर। अगर आप इंडक्टर XL की वैल्यू निकालते हो, इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हो, तो ये होता है 2πfL और XC की वैल्यू होता है 1/2πfC। ठीक है, तो ये XL और XC है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। क्लियर, जल्दी बताइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फार्मूला F इक्वल टू 1/2πL/C, ये क्या होता है कि ऑसिलेटरी सर्किट कहेंगे किसे? ऐसी सर्किट जहां पर क्या होता है? फिक्स फ्रीक्वेंसी पर, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी सर्किट बोलते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है कि आप देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्ट
कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑसिलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला, अगर आप जानते हो कि कोई एक्टिव डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला क्या होता है, एक्टिव डिवाइस, हिंदी में लिख देते हैं एक्टिव डिवाइस, ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर होता है आपका, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले एक्टिव डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ऐसा फैक्टर जो क्या करता है, जो ऑसिलेशन को अफेक्ट करता है, तो वो क्या होता है, और एक्टिव डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये होता क्या है कि जो आपका एक्टिव डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस आपकी यहाँ पर वर्क कर रही हैं, उसका जो क्यू फैक्टर का क्यू पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक्टिव डिवाइस जो भी आपकी वर्क कर रही है उसका जो क्यू फैक्टर है, क्यू पॉइंट है, वो लीनियर होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, ठीक है, रैखिक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जितने भी हमारे एक्टिव डिवाइस हैं वो क्या होने चाहिए, आपके लीनियर होने चाहिए। दूसरा, आपका पावर सप्लाई जो है, सेकंड की बात करते हैं, पावर सप्लाई जो है वो नियत होनी चाहिए, यानी पावर सप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए, पावर सप्लाई क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका, हाँ, टेम्परेचर जो है, क्योंकि देखिए ये सब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, इसी चीज को धीरे धीरे हम लोगों को चीजों को समझना है, क्योंकि बाकी इसका नोट्स हम अभी शेयर कर देंगे आपको, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, अगर बार बार टेम्परेचर क्या होता है, वेरी करता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो आप जानते हो कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, जिसमें कैपेसिटर यूज होते हैं, आपके कुछ जो रजिस्टर होते हैं, ठीक है, और इनके क्या होता है, धीरे धीरे अगर हम टेम्परेचर को वेरी कराए, अगर हम कॉन्स्टेंट न करके टेम्परेचर को अगर हम वेरी कराते हैं, तो रजिस्टेंस है, जो कैपेसिटर है, कुछ इंडक्टर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, वो वेरी करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, उनकी वैल्यू में कुछ अफेक्टेड होता है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑसिलेशन, जब उसके वैल्यू में मैग्नीट्यूड में कुछ चेंजेज होगा तो उसका ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ऑसिलेट, जो इसका ऑसिलेशन हो रहा है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर, तो क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वेरी करे। हमें क्या करना है कि ऑसिलेटरी सर्किट क्या होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो जाती है ना। अब यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करने लगेगी। समझ में आया? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर क्या करना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए। ठीक, यहां तक समझ में आ गया है? चलिए आगे देखते हैं, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, ऑसिलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन को और कौन कौन से फैक्टर जो हमारे अफेक्ट करते हैं, हमारे पॉलिटेक्निक के कोर्स में बहुत ज्यादा ऑसिलेटरी सिस्टम का नहीं है, थोड़ा बहुत जैसे ये ऑसिलेशन है, फैक्टर कौन कौन से, ऑसिलेशन होता क्या है, ऑसिलेटरी सर्किट होती क्या है, एक बार हम ऑसिलेटरी सर्किट भी ड्रॉ करके यहाँ पे दिखेंगे, उसके बाद इसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो क्या करते हैं आपको करते हैं, तो नेक्स्ट अफेक्ट करते हैं, एक है आपका आउटपुट लोड। ठीक है, आउटपुट लोड भी क्या करता है, ऑसिलेशन को अफेक्ट करता है। जल्दी से बताइए, तो मैसेज करके बताइए हमें कि कैसे आउटपुट लोड अफेक्ट करेगा, जल्दी बताइए। देखिए, जब भी क्या होता है, सिंपल सी बात, यहाँ पर जितनी भी ऑसिलेटरी सर्किट है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप ये बोल देना, सीधा सा आंसर एक ही चीज है, अगर आपको नहीं पता है आउटपुट लोड, अगर हम किसी भी सर्किट का अगर आउटपुट लोड क्या करते हैं, वेरी कराते हैं, तो उसका क्यू फैक्टर चेंज हो जाता है। ठीक है,
क्यू फैक्टर चेंज हो जाता है, और क्यू फैक्टर चेंज होने का मतलब क्या होती है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट थी ना, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। और पूरे ऑसिलेटरी सिस्टम में हम करते क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अगर आपसे कुछ भी बोले, जैसे आपसे क्वेश्चन कोई भी दे दिया, अगर उसमें आपसे ये बोल दिया कि अगर हमें ऑसिलेटरी सर्किट है, अगर टेम्परेचर हो जाता है तो क्या चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर वेरी कराने पर क्या इफेक्ट होता है, तो आपको पता चला आइडिया नहीं है सर, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, आप आइडिया कोई आइडिया नहीं है, तो आप तुरंत बोलोगे सर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अच्छा, पावर सप्लाई अगर बार बार चेंज हो रही है तो क्या होगी, फिर भी आपको कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आप जानो अफेक्ट कर रहा है ऑसिलेशन को, और ऑसिलेशन किस पर होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी पर होता है। तो जैसे ही अफेक्ट कर रहा है एस ऑसिलेशन को, ये फैक्टर जो है ऑसिलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ऑसिलेशन को अफेक्ट करने का मतलब सीधा सीधा आप कहोगे कि सर जो भी फैक्टर हैं अगर मतलब इसको अफेक्ट करते हैं तो सीधा सीधा इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी है उसको ये क्या करा देते हैं, वेरिएबल करा देते हैं, सीधा सीधा। समझ में आ गया, जल्दी बताइए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन है, मैकेनिकल वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की बात, अगर मैकेनिकल वाइब्रेशन, तो सबसे बड़ी बात मैकेनिकल वाइब्रेशन कैसे होगा, जैसे सर्किट क्या करती है, बार बार वाइब्रेट कर रही है, अगर सर्किट वाइब्रेट कर रही है तो इसका मतलब ये कि वहां पर सर्किट वाइब्रेशन की वजह से भी क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़े भी है ना, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती है, यहाँ पर जब बार बार वाइब्रेट करेगा तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हुई ना, अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है किसी भी फैक्टर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, पावर सप्लाई की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, आउटपुट लोड की वजह से, वहां सारे कंडीशन में आपका क्या करेगा, सारे कंडीशन में आपका क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ऑसिलेटर जो है वो अफेक्ट करेगा, इसकी जो ऑसिलेटिंग सिस्टम होगी वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सर्किट। मेन जो है हमारे पॉलिटेक्निक के कोर्स में सबसे बड़ी बात है कि हमें बहुत ज्यादा इसको डीप में जाकर नहीं पढ़ना है, ऑसिलेटरी सिस्टम का इसका हमें सर्किट अब ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो सर्किट ड्रॉ करते हो तो सीधे सीधे एक चीज बताओ कि जो ऑसिलेटर होता है वो किस चीज का बना होता है, किस कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले हम लोग पढ़ते थे डायोड, डायोड का अगर कॉम्बिनेशन करते थे तो बनता था रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के कॉम्बिनेशन से बनता था ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है एम्पलीफायर, और जब आप एम्पलीफायर को ही यूज करते हैं एज अ ऑसिलेटर तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो एम्पलीफायर होते हैं, एम्पलीफायर बने किसके होते हैं, बेसिकली किसके, ट्रांजिस्टर के। तो इसका सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पहले आपके पास एक ट्रांजिस्टर होगा, और आप अभी मुझे तुरंत बताओगे कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, बताइए कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, जल्दी से बताइए कौन सा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, एनपीएन क्या हुआ, साउंड आ रही है, ठीक है, चलिए हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं अब। ठीक, दो रेजिस्टर इसके क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे, यहां से इसका एक कैपेसिटर यूज किए हम लोग, ठीक है, कैपेसिटर को यूज करते हैं, रजिस्टर आपका यहाँ लगा दिए, ये आपका एमीटर और ये आपका कलेक्टर हो गया। ठीक, अब इस रजिस्टर को एक इंडक्टर के थ्रू, एक इंडक्टर के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, जो कलेक्टर हमारा पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, एक इंडक्टर के थ्रू क्या करेंगे, कलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इंडक्टर के थ्रू कलेक्ट करने के बाद बेटा हम इस पर पावर सप्लाई इसी को ऐसे ऐड कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा VCC।
इज दैट क्लियर? वी सी सी हो जाएगा, ठीक है? सर वॉइस नहीं आ रही, बट वीडियो देख रहे हैं। ओके वॉइस क्लियर है? यहां पे एक कैपेसिटर लगाए हम लोग, ठीक। कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहां पे, एक कैपेसिटर आप ऐसे ड्रॉ करो 1/1 करके, ठीक है? और इसको क्या करो आप, इस सर्किट को एक रेजिस्टेंस के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट करके इसको ग्राउंड कर दो, ठीक है? इसे ग्राउंड करने के बाद जो आपका यहाँ से है कैपेसिटर, इसको कनेक्ट किए हो, एक और कैपेसिटर यहाँ पर अगर हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हो जाएगा, इसे कनेक्ट करके इसे भी यहाँ पे ग्राउंड कर दो। ये आपका क्या है, ऑसिलेटरी सर्किट का क्या हो गया, इनपुट पॉइंट हो गया, ठीक है? आउटपुट पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, यहां से आप लोड लगा दोगे, इस साइड आपका क्या हो जाएगा बेटा, लोड हो जाएगा, या फिर इसी को आप बोलते हो आउटपुट, और आप यहीं पे लगा दो एक कैपेसिटर और उसे कनेक्ट कर दो, ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक। और यहां पे एक लग गया कैपेसिटर, अब इन सबों को क्या करो, कनेक्ट करो, ठीक है? ये हो गया आपका ऑसिलेटरी सर्किट हो गई, समझ में आया? ठीक है, जो ऑसिलेटरी सर्किट होती है, ऑसिलेटरी सर्किट वैसा ही है ना, ठीक। ऑसिलेटरी सर्किट में एक ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं, इसके बेस से दो रेजिस्टेंस को हम लोग वीसीसी पावर सप्लाई देते हैं, इसके कलेक्टर से हमारा इंडक्टर जुड़ा होता है, एल है, ठीक है? एल और सी का कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑसिलेटरी सर्किट बोलते हैं, इधर क्लियर? इसमें जाकर देखिए आप, इसमें आपको देख रहे हैं कि दो इंडक्टर लगे हुए हैं और 1, 2, 3, 4, 5 कैपेसिटर आपके यूज हुए हुए हैं, ठीक है? अब इन दोनों का जो इसका पूरा फंक्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जो पढ़ते हैं, लेकिन वो जब हम जाते हैं अगर बीटेक करने या फिर और भी डीप नॉलेज होता है, यहाँ हमारे पॉलिटेक्निक में बस इसका सिंबल है कि कितने कैपेसिटर यूज होते हैं 6 और कितने इंडक्टर यूज होते हैं 2 यूज होते हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा हमारे डीप में नहीं जाना है कि इसकी वर्किंग क्या होगी सर, इसको सप्लाई कैसे देंगे, इसका कैसे आउटपुट लेंगे, बहुत ज्यादा डीप में आपके यहाँ तक नहीं है। ये पूरा सिस्टम था आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर का, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक। अब हमारा जो आगे जो हमारा इसका सर्किट ऑपरेशन ये सब हमें